और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। भुवनेश्वर से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं, वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, एक एक से हाथ मिलाकर मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक हो रही है भुवनेश्वर में, और इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भुवनेश्वर के जनता ग्राउंड में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक करके जो राज्य के नेता हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और एयरपोर्ट से पीएम रोड शो करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाएंगे। आमतौर पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के दौरान पीएम का संबोधन रहता था, लेकिन इस बार ऐसा ना करके रोड शो कराया जा रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाजपा कभी भी ओडिशा में सत्ता में नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 1997 में हुई थी, और 20 साल बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में रखी गई है। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भुवनेश्वर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहां से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। जनता ग्राउंड की तरफ उनका ये काफिला आगे बढ़ते हुए, तो बीजेपी ने अपने संगठन को विस्तार देने के लिए जिन राज्यों का चयन किया है उनमें ओडिशा का नाम भी शामिल है, और अब पार्टी की योजना पूर्वीय राज्यों में अपना आधार मजबूत करने की है, क्योंकि ये हमेशा से ही कहा गया है कि ओडिशा में सत्ता में कभी नहीं आई है बीजेपी, इसलिए कोशिश यही है कि यहाँ से एक राजनीतिक संदेश दिया जाए। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से निकल चुका है। तो कोशिश यही है कि जहां पार्टी पारंपरिक तौर पर कमजोर मानी जाती है वहां पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसी के लिए आज मंथन किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो योगी और मोदी पर सबकी नजर टिकी हुई है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो जनता ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है। तो निकाय चुनाव में पार्टी को ओडिशा में जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी, और इसलिए पार्टी नेतृत्व का ध्यान अब राज्य विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने पर है। 2019 में ओडिशा में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक सत्ता में नहीं आई है ओडिशा में बीजेपी, इसलिए कोशिश यही है कि यहां एक संदेश दिया जाए, क्योंकि निकाय चुनाव में जबरदस्त अच्छी सीटें हासिल हुई थी बीजेपी को, शायद यही वजह है कि यहां पूर्वी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं जनता ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहां पहुंच जाएगा, और यहां एक वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे जब प्लेन से नीचे उतरे थे, तो उसके बाद एक एक करके जो राज्य के नेता हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। शॉल उड़ाकर, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनकी आगवानी की गई थी। भारत
और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को सफलता हासिल हुई है, माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्रियों का सम्मान भी किया जा सकता है। तो पंचायत चुनाव में असाधारण प्रदर्शन कर चुकी बीजेपी इस बैठक में पार्टी की राज्य में गतिविधियों को नई गति दे सकती है। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस वक्त हमारी संवाददाता भुवनेश्वर से अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं, अब कहां उनका जो काफिला है, कितना वक्त लगता है जनता ग्राउंड तक पहुंचने में एयरपोर्ट से? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे हैं और इसके बाद वो भुवनेश्वर से जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है जहां पर वो मुलाकात करेंगे कार्यकर्ताओं की। हम रास्ते में ही हैं और हम बता दें कि कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित हैं। जगह जगह पूरे भुवनेश्वर में कार्यकर्ता फैले हुए और खास करके उस पूरे सड़क पर जो रूट पीएम नरेंद्र मोदी का है, हर जगह कार्यकर्ता फैले हुए हैं। और ये भी बता दें कि अब करीब एक घंटे के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जनता ग्राउंड जहां पर कार्यकारिणी होगी और इस एक घंटे के कार्यक्रम में वो राजभवन भी जाएंगे। रोड शो शुरू होगा एयरपोर्ट से निकल के और उसके बीच में वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में महिला मोर्चा की सदस्यों से मुलाकात करके वापस से रोड शो शुरू होगा और उसके बाद वो पूरे सड़क को करीबन 10 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए और उसके बाद वो करीबन 4:15 बजे जो जनता ग्राउंड है उसके पास पहुंचेंगे और फिर करीबन 5 बजे करीब वो जनता ग्राउंड के अंदर घुसकर और जो दीप प्रज्वलन करके और मोदी जी का स्वागत होकर ये बैठक का फिर से शुभारंभ होगा। बिल्कुल अदिति, और रोड शो की क्या तैयारियां है वहाँ, कहाँ कहाँ से होकर ये रोड शो गुजरेगा? जी देखिए, 4 जगह है जो पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है, एजी स्क्वायर है वहां से निकलेगा और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां से निकलेगा। यहां आपको बता दें कि पूरे जो उनका खास करके उनका जो रूट है और उसके अलावा भी पूरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे से और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैरिकेचर से, उनके पोस्टर से इसको पूरा ढक दिया गया है। सिक्योरिटी के पूरे कड़क इंतजाम किए हुए हैं सड़क सड़क पे। जो पूरे उड़ीसा का जो संस्कृति है, नृत्य है, गायन है, उन सब ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर पूरी सड़क पे। पीएम नरेंद्र मोदी के अगर काफिले को आप फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि इस एक घंटे के काफिले में आपको उड़ीसा की पूरी प्राचीन संस्कृति, नृत्य सब कुछ दिखाई दे जाएगा और साथ में भगवा रंग में रंग चुका है खास करके 10 किलोमीटर का पैच है पूरा और उसके अलावा भी पूरा भुवनेश्वर। एक खास जानकारी हमें अभी बताई गई कि जिस तरीके से जो भी कोई गलत चीज रहती है उसको पीएम नरेंद्र मोदी रोकने का प्रयास करते हैं, जैसे गौ मास की बात होती है, उस तरीके से यहाँ पर भी पिछले 15 दिन से शराब बंदी कर दी गई है। किसी भी होटल में, किसी भी जगह, कहीं पर जो अच्छे से अच्छे होटल हैं वहां पर शराब नहीं मिल रही और अगले इस पूरे 6 दिन में एकदम स्ट्रिक्ट है और इस पूरे शहर में नहीं मिल रही है और अगले 15 दिन तक भी इस तरह का माहौल है। तो एकदम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है कि कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए जब पीएम नरेंद्र मोदी और पूरा जो सरकार है यहाँ पर है। और उसके अलावा जो भव्य स्वागत की तैयारियां हैं वो जोरदार हैं और उसके अलावा कार्यकर्ता इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी उनके शहर आए हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनका प्रेम और स्नेह उनको मिलेगा और उससे इतने उत्तेजित है कि हमें कई। बिल्कुल अदिति, और जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां कौन कौन स्वागत के लिए मौजूद था, कौन कौन नेता पहुंचे थे? बिल्कुल, आपको बता दें कि वो दूसरे टर्मिनल पे प्रधानमंत्री, एक टर्मिनल था जिस पर सारे वीआईपीज आ रहे थे और दूसरे टर्मिनल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले जहाँ पे लिमिटेड लोगों को जाने को मिल रहा था। तो हम लगातार चुकी। बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहूंगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आपसे थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद जो राज्य के नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया और उसके बाद ये देखिए मंच पर प्रस्थान कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ उन्होंने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है मोदी ने और तमाम नेता जो है मंच पर दिख रहे हैं। तो भाजपा ने अपने संगठन को विस्तार देने के लिए अब जिन राज्यों का चयन किया है उसमें ओडिशा भी शामिल है, क्योंकि 2019 में ओडिशा में चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को अच्छी सीटें मिली उसके बाद जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। यही वजह है कि कर्नाटक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखने के बाद अब भुवनेश्वर में ये बैठक रखी गई है ताकि पूर्वीय राज्यों को यहाँ मजबूती मिल सके, उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। तो दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है भुवनेश्वर में और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। राजभवन में वो जाएंगे, इसके बाद एयरपोर्ट से सीधे उतरे जहां उनका स्वागत किया गया और उसके बाद ये देखिए मंच पर आए और वहां महापुरुषों को नमन किया, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया और उसके बाद उनका काफिला यहां से आगे बढ़ता हुआ। इसके बाद रोड शो करते हुए वो जनता ग्राउंड तक पहुंचेंगे, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 13 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो और वीआईपी गेस्ट हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया है। तो जनता में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त क्रेज मोदी को देखने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवा रंग में रंगा हुआ पूरा जो भुवनेश्वर है वो दिख रहा है। और इस वक्त हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशित कुणाल। आशित, अब रोड शो की क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? देखिए दिव्या, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से, भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरे हैं। वहां उनका स्वागत करने के लिए उड़ीसा के जो भाजपा के नेता है वो मौजूद थे। वहां से प्रधानमंत्री सीधे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर बीजू पटनायक सर्कल है, बीजू पटनायक सर्कल में वहां उनकी मूर्ति के पास गए हैं और वहां उनका स्वागत किया गया है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो शुरुआत है अपनी रोड शो की नरेंद्र मोदी ने वो बीजू पटनायक के
मूर्ति के पास जाकर किया है। बीजू पटनायक एक प्रतीक है उड़ीसा में यहाँ की राजनीति के। उनके पुत्र नवीन पटनायक पिछले 17-18 सालों से अपने पिता की विरासत को लेकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर की गई है कि जिस तरीके से बीजू पटनायक की लेगेसी है वो केवल बीजेडी की नहीं है बल्कि पूरे उड़ीसा की है, और यही कारण है कि उड़ीसा के नेताओं ने वहीं पर उनका स्वागत किया। और इस वक्त वो एयरपोर्ट से बीजू पटनायक सर्कल से निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री का काफिला, और उनके साथ उड़ीसा के जो नेता हैं यहाँ के बसंत पांडा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जुएल उराम है जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, ये तमाम लोग निकल चुके हैं। आपको बताएं यहाँ से क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। एयरपोर्ट से जनता मैदान तक की दूरी है 7-8 किलोमीटर की। ये एक रोड शो के तौर पर इसे रखा गया है। हम सुबह से ही देख रहे हैं कि उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़ी संख्या में आए हुए हैं भुवनेश्वर, और पारंपरिक लोकगीतों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पारंपरिक नृत्य करने वाले लोग आए हुए हैं। सड़क पर सुबह से ही रंग बिरंगे पोशाकों में लोगों का हुजूम सड़क के दोनों तरफ जमा है। बैरिकेडिंग की गई है बहुत ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर, और बैरिकेडिंग के पीछे पूरे शहर के, क्योंकि ये शहर का प्रमुख इलाका है जो एयरपोर्ट से जनता मैदान का जो क्षेत्र है वो प्रमुख इलाका है, सड़क के दोनों तरफ लोगों को खड़े होने की इजाजत दी गई है। बड़ी संख्या में आम लोग भी खड़े हैं और बड़ी संख्या में भाजपा के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आए हुए हैं। और पिछले 3-4 घंटे से लगातार हम सड़कों पे घूमते हुए देख रहे हैं कि कड़ी धूप है यहाँ पर, फिर भी लोग पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा में आए हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आए हैं, कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, वहां से आए हुए हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला फिलहाल निकल चुका है और जिसे रोड शो कहा जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी। बिल्कुल अशित, और प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि जिस भी राज्य में वो जाते हैं वहां की संस्कृति को अपने में रमा लेते हैं, और शायद यही वजह के पीछे से भी हमें लगातार आवाजें आ रही हैं कि वहां पर सांस्कृतिक गाने चल रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं और आवाजें भी इसी तरीके की आ रही हैं, क्योंकि वहां पर ये जानते हैं पीएम भी कि अगर किसी तरीके से बीजेपी को लाना है, सत्ता वहां पर लानी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर इस तरीके की चीजें अपनानी होंगी। देखिए, एकदम हाल के दिनों में दो ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी का काफी हौसला बढ़ा हुआ है। एक तो जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां जिस तरह की जीत मिली है दिव्या, उससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ऊर्जा का संचार हुआ है। खासतौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिला है उससे भाजपा की जो पूरी ताकत है वो अपने चरम पर है। कह सकते हैं हौसला जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से बुलंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनके टीम का। ऐसे में उन्होंने कोशिश की है कि अगला उन राज्यों पे फोकस किया जाए जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, यानी जो अपनी मजबूतियां हैं उनको लेकर उन राज्यों की ओर बढ़ा जाए जहां वो कमजोर हैं। उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां पिछले 2014 में मोदी लहर के बावजूद केवल एक लोकसभा सीट किसी तरह से भाजपा जीत पाई थी। ऐसे में उन्हें लगता है कि उड़ीसा में संभावनाएं ज्यादा हैं। 2019 में अगर फिर से वापस आना है तो उड़ीसा एक वो राज्य है जहां संभावनाएं बेहतर हैं अच्छा करने की। यही कारण है कि उड़ीसा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए चुना गया है दिव्या। दूसरी अहम बात है कि हाल के दिनों में, पिछले दिनों में जो उड़ीसा में पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। वैसे भाजपा का जो बहुत ज्यादा वजूद रहा नहीं है उड़ीसा में, मगर हाल के पंचायत चुनावों ने कहीं ना कहीं ये मैसेज बीजेपी को दिया है कि बीजेपी अगर मेहनत करेगी तो उड़ीसा में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है। यही कारण है कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अशित, और क्या इस तरीके की भी खबरें हैं कि ये जो कार्यकारिणी हुई है उसे देखते हुए वहां पर शराबबंदी कर दी गई है अगले कुछ दिनों के लिए। देखिए, एकदम कानून व्यवस्था को लेकर और बाकी चीजों को लेकर प्रशासन ने जरूर कुछ यहाँ पर कदम उठाए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि काफी सेंसिटिव ये बैठक है। यहाँ पर न केवल प्रधानमंत्री आ रहे हैं बल्कि लगभग 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए और बाकी संवेदनशीलता को देखते हुए फैसले जरूर लिए गए हैं, कुछ तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, मगर ये जाहिर तौर पर बहुत ही स्थायी नहीं है बल्कि क्षणिक तौर पर कानून व्यवस्था को और बाकी संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ यहाँ पर रास्तों में परिवर्तन किया गया है, ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है और इस तरह के कुछ जरूरी कदम जरूर उठाए गए हैं।
और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सुरक्षा को लेकर जो चौकसी बरतनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो जरूर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में जो सरकार है वो गैर भाजपा सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, ऐसे में किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ना हो, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से भी काफी सुरक्षा को लेकर चौक चौवन व्यवस्था की है। इस बार आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक खुली जीप में, एक खुली एसयूवी है उसके बाहर निकलकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, हम उन्हें देख सकते हैं अपने सामने, काफी लोगों की भीड़ में भीड़ है, हुजूम है, उस बीच से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है और जो उनका रोड शो है भुवनेश्वर में वो जारी है, 5 बजे तक उनका कार्यक्रम है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचने का और 5 बजे से ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी। दिव्या चलिए शुक्रिया आपका आशित हमसे बातचीत करने के लिए।